दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि आप घर बैठे ऑनलाइन बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और इसमें google.com डालकर एंटर करेंगे तो आपके सामने गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टाइप करना है झटपट पोर्टल और एंटर करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर ही एप्लीकेंट्स लॉगिन यानी कि आवेदक का लॉगिन ये वेबसाइट नजर आएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इस पेज पर आ सकते हैं। इसमें नए कनेक्शन के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश में आप न्यूनतम 1 किलोवाट और अधिकतम 1000 किलोवाट के लिए नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रोसेसिंग फीस एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑनलाइन पे कर सकते हो। जिस स्थान पर मीटर लगना है उसके निरीक्षण और मीटर इंस्टॉलेशन के लिए डेट का चयन कर सकते हो। यहाँ पर मीटर लोड के बारे में बताया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन करने के लिए आपको इस पर अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें अपना नाम एंटर करेंगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, इसमें ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे और ये कैप्चा कोड इसमें डालकर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे कि आप यहां रीड कर सकते हैं, नए बिजली कनेक्शन के लिए आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है और आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिए गए हैं जो कि एसएमएस के द्वारा मुझे रिसीव हो गए हैं। इसे ओके कर देंगे और यहां से इस विंडो को क्लोज कर देंगे। अब इसमें लॉगिन आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, इसमें पासवर्ड डालेंगे जो कि एसएमएस के द्वारा मोबाइल पर रिसीव हुए हैं और ये कैप्चा कोड इसमें डालकर लॉगिन करेंगे। अकाउंट में लॉगिन करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा, इसमें अप्लाई करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको चूज करना है पर्पस ऑफ सप्लाई। आप घरेलू उपयोग के लिए सप्लाई लेना चाहते हैं तो डोमेस्टिक चूज करेंगे या कॉमर्शियल यूज के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई ऑफिस है तो कॉमर्शियल चूज करेंगे, या इंडस्ट्रियल यूज के लिए, या टेम्परेरी यूज के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं। आपका बिजली कनेक्शन लेने का जो भी पर्पस है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आप घरेलू कनेक्शन ले रहे हो और आपने डोमेस्टिक चूज किया है तो इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें आपके अलावा और भी फैमिली रहती हैं। यदि हाँ तो आपको यस पर क्लिक करना है। और आपका खुद का अपना घर है यानी कि कोई बिल्डिंग नहीं है, आपका सिंगल घर है तो नो चूज करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप बीपीएल कार्ड धारक हैं। यदि बीपीएल कार्ड धारक हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। मैं घर निर्माण के लिए टेम्परेरी मीटर कनेक्शन ले रहा हूँ, चलिए मैं टेम्परेरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, आप किस जिले में कनेक्शन लेना चाहते हैं। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे आपके सामने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के नाम की लिस्ट आ जाएगी। आपको अपना जिला चूज कर लेना है। इसके बाद डिवीजन चूज करेंगे, आप जिस स्थान पर बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं वो किस डिवीजन में आता है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद अगला है आवेदन का प्रकार। इसमें आपको न्यू कनेक्शन चूज करना है जो कि इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसका फाइल फॉर्मेट JPEG या JPG में होना चाहिए और फोटो का साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आवेदक का नाम डालेंगे। इसके बाद जेंडर चूज करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसमें पिता का नाम डालेंगे। अगर आप शादीशुदा औरत हैं तो आप इसमें अपने पति का नाम डाल सकते हो, और आप शादीशुदा पुरुष हैं तो आप पत्नी का नाम भी डाल सकते हो। इसमें आपको माता का नाम डालना है। इसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने अकाउंट बनाते समय रजिस्टर्ड किया था यहाँ पर वो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपके पास एक और मोबाइल नंबर है तो उसे आप इसमें डाल सकते
सकते हैं या आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसमें आपको बताना है आपका क्या ऑक्यूपेशन है, यानी कि आप क्या काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं तो एग्रीकल्चर चूज करेंगे, या आपका कोई बिजनेस है, या आप एजुकेशन देते हो, या कोई इंजीनियर हो। यहाँ और भी बहुत से व्यवसाय दिए हैं, आपका जो भी व्यवसाय है उसे चूज कर लेंगे, जैसे कि मैंने अदर चूज किया है। इसके बाद यहाँ से आपको चूज करना है आपका परिसर कितना पुराना है। अगर 5 साल या 5 साल से कम है तो विदिन 5 ईयर्स चूज करेंगे, 5 से 10 साल हो गए हैं तो बिटवीन 5 to 10 ईयर्स चूज करेंगे, और यदि 10 साल से पुराना है तो अदर चूज करेंगे। मेरा नया घर है इसलिए मैंने न्यू चूज किया है। इसके बाद पूछा गया है कि आप फ्यूचर में कितने एसी का यूज कर सकते हैं, मैं इसमें डाल देता हूँ 1। इसके बाद यहाँ पर आपको पत्राचार का एड्रेस डालना है, इसमें हाउस नंबर डालेंगे, यदि कोई हाउस नंबर नहीं है तो इसमें 0 डाल सकते हैं। इसमें बिल्डिंग या कॉलोनी का नाम डालेंगे, अगर आपके घर के पास कोई लैंडमार्क है तो इसमें उसका नाम डाल देना है। इसमें गली मोहल्ले का नाम डालेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे आप कौन से जिले में रहते हैं, इसमें पोस्टल पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, यदि आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता और पत्राचार का पता सेम है तो आप इस चेक बॉक्स में टिक कर सकते हैं, और अगर एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पर स्थायी पता डाल देंगे। इसके बाद आपको साइट का एड्रेस डालना है, जहाँ पर मीटर लगाया जाना है उस स्थल का पता डालना है, इसमें खसरा नंबर या मकान नंबर या प्लॉट नंबर डालेंगे, इसमें बिल्डिंग या कॉलोनी का नाम डालेंगे, इसमें लैंडमार्क का नाम डालेंगे, इसमें गली मोहल्ले का नाम डालेंगे। इसके बाद लोकेशन टाइप चूज करेंगे, अर्बन है या रूरल है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ से तहसील चूज करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी आईडी डालेंगे जो कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 17 अंकों की होनी चाहिए, ये आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखी मिल जाएगी। इसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है, इसमें आपको प्लॉट का एरिया डालना है स्क्वायर फीट में। इसके बाद इसमें कवर्ड एरिया डालेंगे, यानी कि आपके प्लॉट का जितना एरिया कवर्ड है इसमें उतना एरिया स्क्वायर फीट में डाल देंगे। इसमें निकटतम उपकेंद्र का नाम डालेंगे, आपके प्लॉट के पास में जो सबसे नजदीक उपकेंद्र है उसका नाम डालेंगे। अगर आपको उपकेंद्र का नाम मालूम नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, इसमें आप पैन नंबर डाल सकते हैं। अगर आप सुरक्षा जमा पर ब्याज का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसमें पैन नंबर डाल सकते हैं, या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं कि केवल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाए तो आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बाय डिपार्टमेंट। इसके बाद विभाग द्वारा केवल उपलब्ध कराई जाएगी और केवल का पैसा आपके बिल में ऐड कर दिया जाएगा, और अगर आप खुद से ही केवल उपलब्ध कराना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, बाय कंज्यूमर। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, आप यहां क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, हाउस अलॉटमेंट लेटर, हाउस रजिस्ट्री, हाउस टैक्स रिसीप्ट और रेंट एग्रीमेंट। आप इन 4ों में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाउस रजिस्ट्री अपलोड कर दी है, ये आपको JPEG या JPG या फिर PDF में अपलोड कर सकते हैं, और फाइल का साइज 5 MB से ज्यादा का ना हो। अगर आपके पास हाउस रजिस्ट्री नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। एफिडेविट कैसे बनवाना है, आप तहसील में जाकर उनको बोलेंगे कि आपको बिजली कनेक्शन करवाना है तो वो आपको एफिडेविट बनाकर दे देंगे। इसके बाद आपको एक पहचान प्रमाण देना है, या तो आप आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड नंबर या राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आधार कार्ड चूज करेंगे, इसमें आधार नंबर डालेंगे और इसके बाद यहाँ क्लिक करके आधार कार्ड की फोटो अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र और विद्युत फिटिंग प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, आपको इस तरह का लेटर अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आप क्या क्या चलाना चाहते हैं, यहाँ से अप्लायंसेस सेलेक्ट करेंगे। यदि आप घरेलू कनेक्शन ले रहे हैं तो आप फैन, लाइट और फ्रिज वगैरह ऐड कर सकते हैं। आपको एक एक करके अप्लायंसेस ऐड करना होगा, जैसे कि मैंने पंप मोटर सेलेक्ट किया है। इसके बाद ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे अप्लायंसेस ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से आप और भी अप्लायंसेस यहां पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इसमें अपेक्षित भार डालना है, मैंने 2 kW के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन पढ़ लेना है और इसके नीचे आई एग्री के आगे दिए चेक बॉक्स में टिक करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको एक सबमिट का बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। इसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आप इसे नोट करके रख सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा, यहाँ पर आवेदक का नाम और एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस विद GST दे रखा है, हमें ये फीस पे करनी है। इसके बाद आपको स्थल के निरीक्षण के लिए 3 डेट सेलेक्ट करनी है, आप अपने हिसाब से डेट का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, पेमेंट कर देने के बाद आपको चालान नंबर और ट्रांजेक्शन ID मिल जाएगी। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके 2 स्टेप कम्प्लीट हो चुके हैं, आपके सामने तीसरा स्टेप आ जाएगा। तीसरे स्टेप में आपकी एप्लीकेशन को UPPCL को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब आपको 3 से 7 दिन तक का वेट करना है, इस बीच जहां पर मीटर लगेगा उस स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। सब कुछ ओके रहा तो तीसरा स्टेप एक्टिव हो जाएगा और अनुमानित लागत 100 हो जाएगी, जिसका आपको पेमेंट करना होगा। चौथे स्टेप में अनुमानित लागत का विवरण 100 हो जाएगा, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, लाइन चार्ज, मीटर कॉस्ट और GST। पांचवें स्टेप में आपको अनुमानित लागत का भुगतान करना है। छठे स्टेप में आपको बताना है कि आपका स्थल मीटर लगाने के लिए तैयार है या नहीं। सातवें स्टेप में मीटर लगाए जाने एवं संयोजन जारी करने की स्थिति 100 हो जाएगी और आपको इस तरह का मैसेज 100 हो जाएगा, आपके मीटर लगाए जाने की डेट UPPCL को फॉरवर्ड कर दी गई है। मीटर लगाए जाने के बाद आठवें स्टेप में आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन 100 हो जाएगी। इसके बाद आपको मीटर लगाए जाने की पुष्टि करनी है, तो इस तरह से आप उत्तर प्रदेश में बिजली का कनेक्शन लगवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।